जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी गुरु मां रुक्मणी स्वागत करती है आपका एक और साप्ताहिक राशिफल में, जो इस YouTube पर सबसे सटीक है, सबसे अच्छा है, आपको आपकी लाइफ को, आपके वीक्स को प्लान करने के लिए बहुत हेल्प करता है। इस बार जानने वाले हैं 14 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। इस राशिफल को आप अपने जन्म राशि के हिसाब से देखें, यानी कि जन्म कुंडली में जो आपकी राशि है उसके अनुसार देखें। अगर मान लीजिए आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी देख सकते हैं। अगर डीप नॉलेज रखते हैं एस्ट्रोलॉजी की तो लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। कुछ मैसेज आपके लगन के हिसाब से भी होंगे और कुछ आपकी चंद्र राशि जो है उसके हिसाब से भी होंगे। अगर कुछ भी नहीं पता है, बहुत कन्फ्यूज है अपनी लाइफ को लेकर के, तो चिंता मत करिए, आपके गुरु माँ हमेशा आपके साथ है। हर गुरुवार हम पिछले 3 सालों से दरबार लगा रहे हैं, जहां बिल्कुल निशुल्क सभी लोगों की जन्म कुंडली देखते हैं, देख करके आपको गाइडेंस देते हैं। जिसकी जन्म कुंडली नहीं है उसका चेहरा देख करके बिना डेट ऑफ बर्थ के हम आपकी जन्म कुंडली बनाते हैं और फिर आपको वो जन्म कुंडली भी बिल्कुल निशुल्क देते हैं, उपाय भी बताते हैं, लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी जटिलताएं हैं उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी गाइडेंस करते हैं। तो आप टोकन नंबर लेकर के जो स्क्रीन पर आपके नंबर आते हैं उस पर बुधवार को कॉल करके गुरुवार का टोकन नंबर ले सकते हैं और मिलने के लिए आ सकते हैं। टोकन नंबर की भी कोई फीस नहीं है, केवल इसलिए रखा है ताकि आपको कहीं दूर से ना आना पड़े, क्योंकि दूर से आओगे मुलाकात नहीं हो पाएगी, भीड़ ज्यादा होगी तो आप ही को कष्ट होगा। तो इसीलिए जब नंबर लग जाए तो आए आराम से मुलाकात कर लें, इसलिए ये सिस्टम आपके लिए रखा है। जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, दूर रहते हैं, चिंता मत करिए, आपके लिए भी कुछ व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही YouTube के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो पानी का बहुत ख्याल रखें, एकदम साफ पानी पिए, बाहर किसी जगह पानी ना पिए, गंदा पानी ना पिए, अपने घर के पानी को चेक करें, अपनी टंकी वगैरह चेक करें। कुछ पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एलर्जी हो सकती है पानी से रिलेटेड, आपको शरीर पे बहुत ज्यादा व्हाइटनेस आ सकती है उसकी वजह से, या आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, या साथ साथ फैमिली और आपको दोनों को ही पेट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो पानी को लेकर के आपको काफी सावधान इस समय में रहने की जरूरत है। स्टमक प्रॉब्लम जो है वो काफी, मतलब काफी सारी फैमिलीज को स्टमक प्रॉब्लम इस समय मुझे दिखाई दे रही है। बात करते हैं अगर हम आपके जॉब की, तो जॉब में अगर आप काफी समय से निराश हो रहे थे कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही थी, या आपको पैसा जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा था, या आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या आप अपनी बात को सामने रख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, तो एक अच्छा समय ये दिखाई दे रहा है। अगर प्रमोशन चाहते हैं तो मतलब आपकी मैनेजमेंट तक आपकी बात जरूर पहुंचेगी, मतलब कुछ ना कुछ आप मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हुए इस वीक में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो कि सुना जाएगा। अगर आप किसी नए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए अगर आप दूर कहीं जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सफलता कम है, अगर ट्रैवल करके कहीं दूर जाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आसपास में है या ऑनलाइन इंटरव्यू वगैरह आप दे रहे हैं तो उन लोगों के लिए लाभ की स्थिति काफी बन रही है, और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट से ही आपको हेल्प मिलेगी, या मैनेजमेंट में कोई सीनियर पर्सन होंगे जिनकी एज भी अच्छी मैच्योर होगी, उनसे आपको हेल्प मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, उनकी आंखें भी थोड़ी छोटी छोटी दिखाई दे रही है। बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस के अंदर कुछ आपके डाउट जो है वो क्लियर होते दिखाई दे रहे हैं। अगर आप किसी तरीके के डाउट में थे, या किसी तरह का आपको लग रहा था कि ये वाला काम हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वो डाउट आपका इस हफ्ते में क्लियर हो जाएगा, और कुछ चीजों को लेकर के आप काफी श्योर हो जाएंगे, कुछ चीजों को लेकर के आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि ये चीज ऐसे नहीं चलनी है और ये चीज ऐसे ही चल सकती है, तो वो एक क्लियरिटी आती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों का बिजनेस में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस जो है वो खराब हो सकता है, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है आपकी टूट सकते हैं, आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है, तो अपना क्वालिटी मैनेजमेंट इस समय में जरूर करके रखें। अगर आपके स्टाफ हैंडल कर रहे हैं कस्टमर सपोर्ट को, तो उनको भी अच्छे से ब्रीफिंग करें। मुझे ऐसा लग रहा है किसी गलती की वजह से आपकी कंपनी की या आपके बिजनेस की जो इमेज है वो खराब होती दिखाई दे रही है कुछ क्लाइंट्स के सामने, तो वहां आपको थोड़ा ध्यान देना, आप उसे संभाल लोगे वैसे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है।
लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप में आप जरा अपने पार्टनर से नाराज होते दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं रीजन क्या है, लेकिन आप अपने पार्टनर से नाराज हो रहे हैं। काफी लोग को ऐसा लग रहा है जैसे मतलब आपके पार्टनर जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं, उसको लेकर के आप नाराज हैं, और मतलब एक लूप, एक ट्रैक सा चलता जा रहा है कि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। तो अब आप बैठ करके उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचेंगे कि मतलब ये क्या है, इसमें बढ़ना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसी फीलिंग्स काफी लोगों के अंदर आ सकती है। जब आप आके मुझे बताते हैं कि गुरुमा आपके द्वारा बताया गया राशिफल हमें बहुत हेल्प करता है, लाइफ में क्या होने वाला है उसकी क्लियरिटी हमें मिल जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आपका राशिफल आगे जानेंगे। प्रणाम गुरुमा, आपके द्वारा बताई गई सारी बातें 100% सच होती है। गुरुमा सच में सटीक राशि होती है आपकी। गुरुमा आपकी हर एक बात बिल्कुल सही होती है। गुरुमा प्रणाम, सितंबर में आपने बताया था शरीर पर दाने होंगे जैसे आंखों के नीचे हुए थे। गुरुमा आपने बिल्कुल मीन राशि के लिए सही कहा, एकदम सच हुआ। गुरुमा आपने जो बताया वो एकदम सच था और अभी भी चल रहा है। गुरुमा एक एक बात सच्ची है मेरे बारे में। गुरुमा आपकी कही हुई बातें सारी सच होती है। थैंक यू गुरुमा, आपने जो लास्ट वीक में बताया था वो सच हुआ मेरे साथ। जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए भगवान जी कुछ रिश्ते भेज रहे हैं, मतलब आप उसके लिए इतना ज्यादा प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको रिश्ता कोई कम्युनिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, और अच्छा रिश्ता है, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में लेडीज आपसे थोड़ी नाराज हो सकती हैं, लेडीज आपसे थोड़ी सी हताश सी हो सकती हैं, आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से आपके घर की लेडीज आपसे थोड़ी सी निराश हो रही हैं, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसा करेंगे, तो अनएक्सपेक्टेडली ये करने की वजह से वो थोड़ा सा आपसे मतलब बैकफुट पे हो जाएंगी, मतलब लड़ाई नहीं हो रहा है लेकिन नाराजगी या मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हो रहा है। तो आप जो भी काम करें वो समझा के एक दूसरे को करें तो शांति बना रहेगा। स्पाउस के साथ अगर बात करें तो उनके साथ समय अच्छा है, अच्छा समय बिता सकते हैं, मिलके किसी पार्टी में जा सकते हैं, कहीं किसी चीज को देखने, कहीं घूमने जा सकते हैं, जहाँ एक दूसरे के साथ कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मैसेज ऐसा दिख रहा है जैसे आप लोग अपने पुरानी कोई ट्रिप की एल्बम या फोटोज इस समय में बहुत चाव से दोनों जने मिलके देखेंगे, तो वो उस मेमोरीज को आप रीलिव करेंगे, काफी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। अगर आपके धन की बात करें तो धन इस समय में अच्छा बना रहेगा, थोड़ी सी आपको पैसों को लेकर के चिंता हो सकती है, चिंता भी इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ लोगों की सेविंग्स जो है वो किसी बीमारी पे खर्च हो रही है, किसी खास व्यक्ति के बीमारी पे खर्च हो रही है, तो उन लोगों को थोड़ी चिंता हो सकती है, अदरवाइज तो पैसा जो है वो आपका स्थिर बना रहेगा। एजुकेशन की और अगर बात कर लें तो एजुकेशन में आप काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहेंगे, लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं लेकिन आप कंफ्यूज होंगे नहीं। तो इस समय थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है जो आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगा कि ये जो सब्जेक्ट है या ये जो पढ़ाई है ये तुम्हारे बस की नहीं है, लेकिन आप काफी स्ट्रॉन्ग माइंडेड है तो उसको कर लेंगे। ये सप्ताह, ये वीक भी आप सबके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसा मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।